हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th, सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, चैप्टर 6। बच्चों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास के बारे में जानेंगे। आपका यूनिट 3 का चैप्टर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास। अब सबसे पहले बात यह आती है कि भारत के लिए या किसी भी देश के लिए ध्वज क्या मायने रखता है। एक समय आता है जब किसी का वंश, कुल या कोई भी राजा होता है, जब उसका अंत हो जाता है, लेकिन उसके देश की या जगह की एक पहचान होती है, कुछ ना कुछ प्रतीक होता है। तो हर देश की एक पहचान बनाई गई है, वो है ध्वज, झंडा, तिरंगा। यानी हमारा जो फ्लैग है उसकी भी एक अलग हिस्ट्री है कि वो कैसे बना, कहाँ कहाँ से गुजरा, क्या क्या उसके साथ हुआ, और हमारा फाइनल जो है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, वो कैसे बना। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट ध्वज था, इस ध्वज को 7 अगस्त 1906 को बनाया गया था। इस ध्वज में सबसे ऊपर ग्रीन कलर रखा गया, बीच वाली पट्टी को येलो कलर का बनाया गया और नीचे वाली पट्टी को रेड कलर का बनाया गया। देखिए, ये जो है, जो हमारा ये फर्स्ट तिरंगा है, इसमें ग्रीन वाली पट्टी को, फर्स्ट वाली पट्टी को ग्रीन कलर का बनाया गया, सेकंड जो पट्टी है उसको येलो कलर का बनाया गया और सबसे नीचे वाली पट्टी को रेड कलर का बनाया गया। अब इसकी पहचान ये है कि सबसे ऊपर वाली पट्टी में 8 कमल के फूल हैं। देखिए, जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है इसमें 8 कमल के फूल वाइट कलर से बनाए गए हैं। बीच वाली पट्टी येलो कलर की है, इसमें नीले रंग से वंदे मातरम लिखा गया है। और बच्चों, सबसे नीचे वाली जो पट्टी है उसको रेड कलर से बनाया गया है और उसमें राइट साइड इसमें चंद्रमा और सितारा बनाया गया है और इसमें लेफ्ट साइड एक सूरज को बनाया गया है। इसका जो टाइम है, इसको 7 अगस्त 1906 को बनाया गया और ये सबसे पहले ग्रीन पार्क कलकत्ता में लहराया गया। ये थी हमारे पहले ध्वज की हिस्ट्री। अब हम जान लेते हैं दूसरा ध्वज कैसे बना और इसका जो समय था वो क्या था और इसको किसने डिजाइन किया था। देखिए, जो ये हमारा दूसरा ध्वज है, पहले वाले फ्लैग को थोड़ा सा चेंज करके बनाया गया। ये फ्लैग कब बना, कैसे बना, अब ये उस समय की बात है जब महात्मा गांधी जी थे तो उनके हाथों में कांग्रेस पार्टी की बागडोर थी। उस समय विजयवाड़ा अधिवेशन के एक आत्मिक प्रदेश के एक युवक थे पिंगली वैकैया, उन्होंने ये दूसरा झंडा तैयार किया था। उसमें 2 ही कलर रखे और वो तिरंगा बनाकर महात्मा गांधी जी के हाथों में सौंप दिया। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी जी को वो तिरंगा बहुत अच्छा लगा। अब उन्होंने पूछा कि इसमें 2 कलर किस लिए हैं, तो उन्होंने बताया कि इसमें 1 कलर हिंदुओं का प्रतीक है और दूसरा कलर मुसलमानों का प्रतीक है। फिर गांधी जी ने कहा कि इसमें 1 और कलर डालो, सफ़ेद रंग, जो कि बचे हुए समुदायों का प्रतीक बने, इसलिए बीच में उन्होंने ये चरखा डलवाया और इसको ब्लू कलर का बनवाया। दूसरे फ्लैग में इन्होंने सबसे ऊपर, देखिए बच्चों, इसमें जो ये दूसरा फ्लैग है हमारा, इसमें जो ये ग्रीन कलर है इसको तो मुसलमानों का प्रतीक बताया, ठीक है, और जो ये हमारा रेड कलर है इसको हिंदुओं का प्रतीक बताया, ठीक है, और ये उसने किसने डिज़ाइन किया था, पिंगली वैकैया ने ये फ्लैग डिज़ाइन करके महात्मा गांधी जी को सौंप दिया। उनको ये तिरंगा बहुत अच्छा लगा, उन्होंने क्या क्या
या फिर जो बची हुई पट्टी थी उसमें इन्होंने सफ़ेद कलर डाला, जो ग्रीन कलर है उसको तो मुसलमानों का प्रतीक बताया और रेड कलर को इन्होंने हिंदुओं का प्रतीक बताया। और बच्चों इसमें जो ये वाइट कलर है इसमें बचे हुए बाकी समुदायों का प्रतीक बताया इसको, और फिर बीच में इन्होंने ये चरखा डलवा दिया इसमें, ठीक है। सबसे नीचे रेड कलर रखा, ये तिरंगा 1921 में गांधी जी के अंडर में बनाया गया, जो ये सेकंड तिरंगा था, ठीक है 1921 में। अब आता है हमारा तीसरा फ्लैग, फिर हमारा नेक्स्ट जो फाइनल तिरंगा है इसमें सबसे ऊपर भारतीय केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे भारतीय हरा रंग रखा गया। इस तिरंगे में चरखे की जगह चक्र रखा गया। इसमें 24 आरे हैं जो 24 घंटे प्रगति का प्रतीक हैं। ये 24 जुलाई 1947 को तैयार हुआ। इसके बाद उसका जो अनुपात पूछा जाता है, जो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई है वो क्या है और कितना है, ये 3:2 है। देखिए जो हमारा ये सबसे लास्ट का जो राष्ट्रीय ध्वज था इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी में तो केसरिया रंग सैफ्रॉन कलर, बीच वाली पट्टी में बच्चों वाइट कलर रखा गया और सबसे नीचे वाली पट्टी में ग्रीन कलर रखा गया और बीच में ये चक्र बनाया गया। इससे पहले वाले तिरंगे में क्या था, बीच में चरखा बनाया गया था, अब चरखे के स्थान पर इन्होंने बीच में चक्र बनाया जिसमें 24 आरे हैं या 24 तिल्लियां हैं, जो इसको भी प्रतीक बताया गया है, जो 24 घंटे प्रगति का प्रतीक है, ठीक है। ये 22 जुलाई 1947 को तैयार किया गया था। अब ये तो थे तीनों तिरंगे की हिस्ट्री, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास। अब बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार ये क्वेश्चन जरूर आता है, पूछा जाता है, जो हमारा फाइनल तिरंगा है जैसे इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी में हो गया हमारा भारतीय केसरिया रंग, बीच वाली पट्टी में सेंटर वाली में हो गया हमारा सफ़ेद रंग और सबसे लास्ट वाली पट्टी में हो गया हमारा भारतीय हरा रंग, ठीक है। तो जो भारतीय केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है, भारतीय केसरिया रंग जो है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है, और जो इसमें ये दूसरा रंग है सफ़ेद रंग ये किसका प्रतीक है, ये सच्चाई और शांति का प्रतीक है, ठीक है बच्चों। और जो सबसे लास्ट वाला है वो विश्वास और शौर्य का प्रतीक है, ठीक है। और इस तिरंगे का अनुपात क्या है, लंबाई और चौड़ाई 3:2 है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट तिरंगा था उसका टाइम क्या था, वो 7 अगस्त 1906 को तैयार किया गया और सबसे पहले कहाँ फहराया गया, ग्रीन पार्क कलकत्ता में, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है बच्चों, इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी में ग्रीन कलर रखा गया, बीच वाली में येलो कलर रखा गया और सबसे नीचे वाली पट्टी में इसमें रेड कलर रखा गया। और जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है इसमें 8 कमल के फूल बनाए गए, बीच वाली पट्टी में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा गया और सबसे नीचे वाली पट्टी में राइट साइड चांद और सितारा बनाया गया और उसके लेफ्ट साइड उसमें सूरज को दिखाया गया, ठीक है बच्चों। अब आती है हमारे सेकंड तिरंगे की बाती, सेकंड तिरंगे में क्या है, सबसे ऊपर वाली पट्टी में वाइट कलर है, बीच वाली पट्टी में ग्रीन कलर है और सबसे नीचे वाली पट्टी में रेड कलर है। सबसे ऊपर वाली पट्टी है जो बीच वाली पट्टी है वे उसमें ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को मुसलमानों का प्रतीक बताया गया है और जो रेड कलर है उसको हिंदुओं का प्रतीक बताया गया है। फिर महात्मा गांधी जी ने इसमें एक वाइट कलर डलवाया, उसको बचे हुए बाकी समुदायों का प्रतीक बताया और इसमें बीच में इन्होंने क्या करवाया, इसमें वंदे मातरम की जगह चरखा डलवा दिया अपना, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला तिरंगा है हमारा फाइनल जो है, इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी में भारतीय केसरिया रंग डलवाया और बीच वाली पट्टी में इसमें सफ़ेद रंग डलवाया और सबसे नीचे वाली जो पट्टी है हमारी उसको ग्रीन कलर का रखवाया।
ठीक है, और बीच में सबसे पहले वाले तिरंगे में वंदे मातरम लिखा हुआ था, सेकंड वाले में उन्होंने चरखा डलवाया, और इस फाइनल तिरंगे में हमारे इन्होंने चक्र डलवाया। और इस चक्र में 24 आरे, इस चक्र में 24 आरे हैं जो 24 घंटे प्रगति का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, तो आप ये सब पॉइंट्स इसके अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।